नमस्कार, इस्तकबाल है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में और मैं हूं आपकी मेज़बान सिमरन सिंह। आप सभी दर्शक हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 4 पर, और हमसे राबता करने का एक और जरिया है, आप सब जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। अगले आधे घंटे के लिए लेकर आए हैं हम अपने सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ये सत्र। तो चौथी जमात के जो भी तलबा हैं, जो विद्यार्थी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपके लिए कौन सा विषय चुनकर लाए हैं। तो आपको बता देते हैं कि आज हम जिक्र करेंगे एक कविता का जिसका शीर्षक है कौन, और इस कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। और इसी पर और जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं मिस निर्मल द्विवेदी मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। बहुत धन्यवाद मैम। HOD हैं हिंदी के और DPS बैंगलोर नॉर्थ जलाहोबली बैंगलोर में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका इस सत्र में। और जो भी दर्शक हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि ऐसे कोई सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो वो विभिन्न माध्यम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा मेल ID। तो मैम, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है इस सत्र में, तो सबसे पहले मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि शुरुआत करते हैं अपने इस सत्र का और अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं कि आज जो हमारी कविता है कौन, इसके अंतर्गत हम क्या सीखेंगे। नमस्कार सिमरन, आज की जो हमारी कविता है आज के इस सत्र में, उस कविता का नाम है कौन। इसको लिखा है श्री सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो कविता कुछ इस तरह जाती है कि किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। कौन से शुरू हो रही है कविता? तो किसने हमारे बटन कुतर दिए, कुतरना बटन किसने कुतरे, स्याही को किसने बिखराया, प्रश्न पूछा जा रहा है। सोहन लाल द्विवेदी जी ने किसी के बारे में लिखा है कि किसने हमारे बटन कुतर दिए हैं, कुतर दिए हैं, काटे नहीं कुतर दिए हैं, किसने स्याही को चारों तरफ बिखरा दिया है, फैल गई है, कौन चट कर गया है, चट कर जाना, खत्म कर जाना, खा के खत्म कर जाना, दुबक कर छुप कर, कौन दुबक कर चट कर गया है, खाने की चीजें कौन खा गया है, और कौन है जिसने घर भर में जो रखा हुआ अनाज था वो बिखरा दिया है। तो यही प्रश्न सोहन लाल द्विवेदी जी बच्चों से कर रहे हैं। अगली इन चार लाइनों के बाद अगली चार लाइनें हम देखते हैं। उन चार लाइनों से पहले मैं सबका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कुतरना जैसे शब्द कविता का आशय वो नहीं है कि वो बताना किसके बारे में चाहते हैं। कविता का आशय है कि हमारा शब्द भंडार कैसा है। तो जैसे कि इसमें कवि ने बहुत कुछ ऐसे शब्द हिंदी के प्रयोग में लाए हैं जिनका कि आजकल हम प्रयोग कम कर रहे हैं, जैसे कुतरना। अब कुतरना जो है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, उसे हम कहते हैं कुतरना। किसने कुतर दिया है, स्याही। एक जमाना था हम कलम और स्याही से लिखते थे, तो स्याही एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा जिसे हम कहना चाहे लिक्विड है, जो पेन की इंक, जो पेन में लिखने के काम आता है, चट कर लेना, खा लेना, खा के खत्म कर लेना जल्दी जल्दी, दुबक दुबक जाना, मतलब किसी कोने में छिप के बैठ जाना, जिसको हम छिपना अलग है और दुबकना अलग है। तो हम कहते हैं कि दुबक कर बैठ गया है, तो कोई तो है जिसने ये सारा काम किया है और खुद को छिपाने के लिए वो कहीं दुबक कर, यानी किसी कोने में छिप कर बैठ। तो अब जैसे चट कर जाना शब्दों के अगर मैं प्रयोग बताऊं कि चट कर जाना शब्द कहाँ आएगा, तो हम उसका साधारण प्रयोग इस तरह कर सकते हैं कि बिल्ली आज रसोई में सारा दूध चट कर गई। अब वहां हम ये नहीं कहेंगे कि सारा दूध पी गई, हम ये कहेंगे कि बिल्ली सारा दूध चट कर गई। तो समझे सिमरन, इस तरह हाँ का ये भाषा का चमत्कार है जो हमारी कविताओं में दिखता है। बिल्कुल। अगली चार लाइनें, अगला पैराग्राफ हम कौन से पढ़ेंगे कि दोना खाली रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई,
किसने रस्सी काट बहाई, दोना खाली रखा रह गया। दोना, दोना जिसे हम कहते हैं पत्तल का बनाया हुआ, हम मंदिर में जाते हैं प्रसाद लेने, वहां दोना मिलता है। तो देखिए ये हमारी भारत की संस्कृति है जो ऐसी चीजों का प्रयोग करती है जिसे हम कहते हैं कि जिसका निस्तारण, अंग्रेजी में इसे बायोडिग्रेडेबल कहेंगे ना, डिग्रेड करना, उसको रिसाइकल करना, जिसका निस्तारण बहुत आसानी से हो सकता था। तो इसी तरह हमारे जो आजकल हम यूज एंड थ्रो प्लास्टिक प्लेट्स लेते हैं, पहले हम पत्तों के बनाते थे तो उसे दोना कहते हैं। अब कौन है जो दोने में रखी हुई मिठाई को ले गया है, उसने खा लिया है, दोना खाली रखा रह गया, दोना लिखा बच्चों ने, इसमें तो जो रखा था वो है ही नहीं, कौन ले गया उठा मिठाई, इसमें तो मिठाई रखी थी, कोई उठा के ले गया है उसको। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अरे आगे हम चले तो हमने क्या देखा कि एक फोटो, एक जो दीवार पे तस्वीर लगी थी वो तो नीचे गिर गई है, दो टुकड़ों में बट गई है। अब किसी ने तो उसको तोड़ा नहीं है, किसी ने उसको उठाकर पटका नहीं है, तो तस्वीर कैसे टूटी, यानी वो दीवार पे लटकी हुई फोटो कैसे टूटी। जिस रस्सी से वो तस्वीर, वो फोटो खूंटी पर लटक रही थी, किसी ने अपने दांतों से उसको काट काट के हटा दिया है। और जैसे ही रस्सी टूटी, तस्वीर नीचे गिरी, और तस्वीर नीचे गिरी थी तो दो टुकड़ों में हो गई, यानी कि टूट गई। तो कवि कहते हैं कौन है भाई जो ये दोने में रखी मिठाई खा रहा है, कौन है जो घर में ये उठा पटक के काम कर रहा है, किसने है जिसने तस्वीर काट दी है, तोड़ दी है, रस्सी काट दी है तस्वीर की। आप देखिए दोना, दोना हमारा आजकल हम बहुत आम तौर पर प्रयोग नहीं करते इन शब्दों का। तो अगर मैं दोना की व्याख्या दूंगी तो कुछ इस तरह होगा कि कटोरी के आकार का पत्ती का बना होता है। कटोरी के आकार का इसलिए हम बनाते हैं कि चाहे वो चीज सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो कहीं से बहे नहीं, वो हमारे हाथ में रहे। तस्वीर, तस्वीर जैसी जिसे हम बोलते हैं भाषा संपदा का आजकल उतना प्रयोग नहीं है, हम उसकी जगह क्या कह देते हैं, फोटो गिर गई, दीवार पर क्या लटकी थी, फोटो लटकी थी, तो जो तस्वीर है वो गिर गई है। अब अगर हमसे कहा जाए कि ठीक है दोने का अगर हम कविता के अलावा प्रयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो दोने का सबसे आसान प्रयोग जो कि हम सब करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मुझे मंदिर में दोने में प्रसाद मिला, क्योंकि मंदिरों में ज्यादातर हम प्लास्टिक जैसी चीजों का प्रयोग नहीं करते, इतने सारे लोगों के लिए बर्तन दे नहीं सकते, वहां पर हम करते हैं दोने का प्रयोग। ठीक है ना सिमरन, आपने भी खाया होगा दोने में प्रसाद। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्या कहते हैं द्विवेदी जी, वो कहते हैं कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। ऐसा नहीं है कि ये जो जिसके बारे में बात हो रही है कौन है भाई, घर पे किसने ऐसा काम कर रखा है, कौन है जो इतनी चीजों को बिगाड़ रहा है। अब तक उसने स्याही गिरा दी, उसने फोटो तोड़ दी, उसने दोने की मिठाई खा ली, और भी क्या क्या किया है उसने, चप्पल, चप्पल की वो जो पहनने वाली बेल्ट यानी बद्धी जिसको हम कहते हैं, उसको उसने कुतर दिया है। कुतरना शब्द, कुतरना शब्द यहाँ बार बार आ रहा है। देखिए कुतरना और काटना दो अलग है ना, तो ये कुतर रहा है, उसके पास कैंची जैसी कोई चीज नहीं है कि वो काटेगा, तो उसने क्या किया है, चप्पल को कुतर दिया है। चप्पल तो चप्पल, उसने जूते को भी कुतर दिया है, जूते की भी नीचे से उसने छेद कर दिया है, उसमें भी उसने नुकसान दिखा दिया है। और तो और मेरे कपड़े रखे थे, मेरा कुर्ता रखा था, उसकी जेब खलीता, खलीता जो शब्द है यहाँ पे जेब के लिए आया है। उसने पूरा कुर्ता काटने की कोशिश की, मगर जो कपड़ा उसे बाहर से लटकता दिखाई दिया, जैसे कि मेरे कुर्ते की जेब, उसने उस पे ही अपने दांत चला दिए और
मेरे कुर्ते की जेब में छेद कर दिया। खलीता पर बनाई बनाना, आज तो खलीते की शामत आ गई है। बनाना अनजानी पैसा गिर जाता। अब मुझे पता कैसे चला कि भाई ये खलीते से में छेद हो गया है, किसी ने उसे कुतर दिया है, कि जब मैंने जेब में अपने पैसे डाले पैसे नीचे गिर गए, मुझे पता ही नहीं चला। इसका मतलब मेरी जेब में छेद था। तो हो, ये तो खलीते की बनाई। अब देखिए, खलीता जैसे शब्द जो कि बहुत बहुत ही खास शब्द है, जो कि आजकल हम बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाते। तो चलिए, हमने इस कविता से ये सीखा कि खलीता का मतलब होता है जेब। हम सब अपने माता पिता, अपने दोस्तों को और जो कोई भी हिंदी जानना चाहता है, जो नए नए शब्द सीखना चाहता है, हम उन्हें ये बताते हैं कि खलीता का मतलब होता है जेब। तो जेब की शामत खो गई, जेब कट गई, अनजाने में क्या होता है, पैसे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि खलीता को कुतर दिया गया है। अनजाने मतलब बिना मेरी जान पे। बन आना अगर हम देखेंगे तो ये एक तरह का मुहावरा है, जिसमें हम बोलते हैं बुरा समय आ जाना या शामत आना। अब जेब का बुरा समय आ गया था ना, तभी वो कुतर गई बेचारी। बन आना का प्रयोग अब कहाँ कहाँ करेंगे, खाली जेब के लिए तो कर नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि आज मैं गिरते गिरते बची, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैं आज गिरते गिरते बची, मेरी तो जान पे बनाई। मतलब आज तो मैं बहुत बुरी तरह गिर सकती थी, मेरा सर भी टूट सकता था। तो बन आना शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो आज किस पे बनाई है? खलीते पे बनाई है, क्योंकि किसी ने खलीते को कुतर दिया है और उससे उसके पैसे नीचे गिरने लगे हैं। अब देखिए और क्या क्या हो रहा है। सोहनलाल जी बता रहे हैं, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। किसने जिल्द काट डाली? जिल्द हिंदी की सुंदरतम सभ्यताओं में, जो हम कहते हैं जहाँ पे हम शुद्ध हिंदी भाषी बात करते थे, वहां हम जिल्द के लिए मैं दिखाना चाहूंगी। सिमरन ये देखिए, हाँ, ये कॉपी, ये इसकी जिल्द, ये आप देख रहे हैं दफ्ती का जो कवर, ये जिल्द कहलाती है। अब जिल्द काट डालना और कुतर डालना, उसने तो जिल्द को कुतर कुतर करी, अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे दांतों से कुतरा गया है, उसने कुतर कुतर कर कुतर कुतर कर जिल्द खराब कर दी है। अब अगर हमारी जिल्द खराब हो गई तो हमारी ये जो बाइंडिंग है, यानी हमारे पन्ने एक कवर से बंधे हुए होते हैं एक धागे में, और जब वो पूरी जिल्द खराब हो गई, कट गई, तो क्या हुआ, पूरे पन्ने चारों तरफ बिखर गए। अब आप उनको फिर से एक एक संख्या में, एक क्रमवार, एक सिलसिले में लगाइए, मुश्किल आ गई है। तो उन्होंने बोला कि किसने काट दिए भाई ये जिल्द, किसने पोथी के पन्ने, ये जिल्द काटने से देखिए किताब के पन्ने बिखरे हैं, रोज टांगता धू धू कर मैं, कौन उठा ले जाता है छन्ने। छन्ने आजकल तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हम चाय वाली छन्नी से छान लेते हैं और बड़ी आसानी से वो धुल जाती है, पर पहले ऐसा नहीं था। हमने बताया ना, हमारी सभ्यता तो जो है वो निस्तारण पर, हर चीज के बारंबार प्रयोग पर जोर देती है। तो पहले हम क्या किया करते थे, सफेद कपड़े के या हल्के पतले सूती कपड़ों के, जैसे अगर मैं कहूँ ऐसे सूती कपड़ों के हम चौकोर काट लेते थे रुमाल की तरह। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको मैं बताऊँ, ये मेरा छनमाल है, ऐसे हम इसको कप या कि जिस चीज में छानना होता था, अगर हमें पानी भी छानना है तो हम मटकी के ऊपर रख लेते थे, अगर हमें चाय छानना है तो हमने पहले एक बड़े जग में इस सफेद कपड़े को रखा, उसमें चाय छान ली, और फिर हमने क्या किया, इस छन्नी को धोया और फैला दिया। लेकिन अब ये कोई तो है जो छन्नी के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है, इसने क्या किया है कि छन्ने के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब हम उससे छान नहीं सकते, क्योंकि उसके जो महीन छेद थे बड़े बड़े हैं। तो कभी कहते हैं कि ये रोज छन्ना छाना जाता है
और रोज ही फट जाता है, रोज इसमें छेद हो जाते हैं, तो ये कौन कर रहा है ये सारे काम? जी मैम, बहुत ही खूबसूरती से आप व्याख्या कर रही हैं इस पूरी कविता की हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए। एक छोटी सी जानकारी मैं साझा करना चाहूँगी अपने दर्शकों के साथ। इस सत्र में हमारे पास केवल 2 से 3 मिनट का समय शेष है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि प्रिसाइसली हमारे सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दें। जी तो चलिए, बस 2 मिनट में मैं आपको बता दूँ जिल्द। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जिल्द क्या होती है, ये दफ्ती का कवर होता है जिसमें कि हम अपनी कॉपियों को एक साथ बांध कर रखते हैं। पोथी, पोथी शब्द जो प्रयोग किया गया है ये अधिकतर मोटी किताबों के लिए किया गया है, लेकिन जिल्द के ऊपर भी मोटी जिल्द लगी है क्योंकि पतली से फट जाएगा, इसलिए हम दफ्ती का यानी हार्ड बाइंड कवर लगाते थे, तो मोटी किताबें बहुत ही सहेज कर रख जा सकती थी। बिखरना, क्या बिखर गया है? पन्ने बिखर गए हैं, चारों तरफ पन्ने फैल गए हैं, और छन्ना तो मैंने आपको समझा दिया है। अब मान लीजिए कि अगर मुझे कहा जाए बिखरना, बिखरना पे एक शब्द बनाइए, तो मैं कहूंगी कि ताजा ताजा हमारा दिवाली का मौसम है, तो हम कहेंगे कि दिवाली की सफाई में घर का सारा सामान बिखर जाता है। जब हम जगहें साफ करने के लिए निकालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सामान हम ठीक करना चाहते हैं, उसके पीछे पूछ के रखना चाहते हैं, तो दिवाली में सारा सामान बिखर जाता है, बिखर जाना है ना। सिमरन, बिल्कुल अभी तक कोई प्रश्न है अगर किसी का आपका? या मैम जाते जाते एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हम कविता पढ़ रहे हैं इसका मूल भाव क्या है, यानी मूल उद्देश्य क्या है, क्यों हम बच्चों को आज की ये कविता समझा रहे हैं जिसका शीर्षक है कौन? जी बहुत धन्यवाद। अभी ये कौन रहस्य बना हुआ है, कौन जैसे शब्द, अगर मैं ये बताऊं आपको कि हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द, इस पूरी कविता का उद्देश्य हमारे बच्चों को प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित कराना है। एक चीज हमने अब तक, अगर हम सब में वापस जाएंगे तो आपने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द कौन से शुरू हुआ, बिल्कुल, किसने किसने आया है ना, फिर से किसने रस्सी काटी, कौन ले गया, तो अगर हम ये देखेंगे किसने कौन, हिंदी के प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शुरू होते हैं का से ज्यादातर, जैसे अंग्रेजी के हम बोलते हैं डब्ल्यू वर्ड्स, वाई, वेन, वेयर, हू, तो ये सारे इसी तरह हिंदी में सारे प्रश्न, लगभग सारे प्रश्नवाचक शब्द शुरू होते हैं का से। एक चीज और है कि अगर हम पहचाने कैसे, तो खाली का से नहीं होगा, उनके आगे अगर आप देखेंगे तो हमारा एक प्रश्न चिन्ह का विराम चिन्ह लगा होगा, बिल्कुल, इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस कविता के माध्यम से जो भी भाग हमने पढ़ा, जो अंश आपके साथ साझा किया, उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रश्न हम किन्हें कहते हैं, उनके साथ एक चिन्ह भी लगा होता है, किस प्रकार का वे चिन्ह होता है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सत्र में बने रहने के लिए, हमारे सभी दर्शकों का बखूबी मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। तो जितने भी दर्शक हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं कहीं मत जाइएगा, because next up we have our training session for the another 4 days, and the first day of our training session is today, and the title of the training session is Let's Be a Cyber Warrior. So what we have in the next session, for that stay connected to NCRT and keep watching PM Avidya channels. Namaskar.